हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं TDL के बारे में। TDL मतलब टैली डेफिनेशन लैंग्वेज। दोस्तों, टैली डेफिनेशन लैंग्वेज जो है बेसिकली वो किस लिए यूज़ करते हैं, तो टैली में अगर हम कोई कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो हम TDL का यूज़ करते हैं। कई तरह के एड ऑन हम टैली में इसको यूज़ करके अपना जो फीचर हमको टैली नहीं देता है वो फीचर हम इसमें अलग से एड ऑन करके अपने कंपनी के काम को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आइए मैं आज आप लोग कुछ बेसिक TDL के बारे में बताऊंगा। तो बेसिक TDL में सिर्फ दो TDL के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग बेसिकली यही सीखेंगे कि TDL को टैली में लोड कैसे किया जाता है। तो बहुत आसान सा प्रोसेस होता है, इसको कोई भी कर सकता है। बस आपके पास वो TDL की फ़ाइल होनी चाहिए, और जो TDL की फ़ाइल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप वहां से डाउनलोड करके एक बार इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा लोड करके। तो आज बेसिकली हम लोग दो TDL के बारे में बात करेंगे, और टैली में जो कस्टमाइजेशन करने वाले हैं वो दो चीज़ों के कस्टमाइजेशन करने वाले हैं। एक तो टैली में ये जो फॉन्ट आते हैं, जो जैसे मान लीजिए यहाँ सिलेक्ट कंपनी लिखा है, क्रिएट कंपनी लिखा है, बैकअप लिखा है, ये जो फॉन्ट हैं इन, एक तो इन फॉन्ट को चेंज करना सीखेंगे TDL की मदद से, और दूसरी चीज़ टैली में ये जो कलर कॉम्बिनेशन आता है इस कलर की कोडिंग को भी हम चेंज करना सीखेंगे TDL के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला काम, ये हमारा टैली खुला हुआ है। तो टैली में कोई भी TDL ऐड करने के लिए हमें करना क्या है, तो सबसे पहले हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया, TDL की फ़ाइल होनी चाहिए हमारे पास। तो जैसे कि मेरे पास सिस्टम में, कंप्यूटर में TDL की जो फाइल है वो डॉक्यूमेंट में रखी है मैंने टैली TDL के नाम से। अब सपोज़ ये दो मेरे पास फाइलें हैं, एक है टैली की फॉन्ट चेंज करने का TDL है और दूसरा टैली का कलर चेंज करने का। तो सबसे पहले टैली फॉन्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो मैं इस फाइल फोल्डर को डबल क्लिक करता हूं, तो ये अंदर हमको फाइल मिल गई। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, ये जो फाइल है ये जिस पाथ पे रखा है उस पाथ को हमें कॉपी करना है। तो इसको कॉपी करने के लिए जो प्रोसेस है उसको बस आपको थोड़ा ध्यान से देख लेना है। यहाँ पर इस फाइल पर राइट क्लिक करिएगा और जाइएगा प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में ये जो पाथ आपको नज़र आ रहा है, बस इसी पाथ को आपको सिलेक्ट करना है पूरा, और इसी बात को हमें कर लेना है कॉपी। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब टैली में आना है, और टैली में आने के बाद यहाँ पे या तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए तो आपकी ये विंडो सामने आ जाएगी, और या फिर शॉर्टकट की आप प्रेस कर सकते हैं Ctrl+Alt+T, Ctrl+Alt+T, तो आप इस बात पे पहुँच जाएंगे। और यहाँ आ करके ये बेसिकली बात है प्रोडक्ट एंड फीचर का, यहाँ पे आके हमें क्या करना है, तो यहाँ पे एक शॉर्टकट की आप देख सकते हैं मैनेज लोकल TDL, यानी अपनी तरफ से अगर हम कोई TDL ऐड करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे प्रेस करना है F4। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें प्रेस कर लेना है F4। तो ये विंडो आपके सामने आएगी, लोड TDL फाइल्स ऑन स्टार्टअप, यानी आपसे टैली पूछ रहा है कि जैसे ही टैली दोबारा स्टार्ट होगा, जैसे ही आप टैली स्टार्ट करेंगे तो ये TDL ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे आकर के जो एड्रेस हमने वहाँ से कॉपी किया था वो बस यहाँ पे आके आपको पेस्ट कर देना है। तो टैली में आपको पता है पेस्ट करने की शॉर्टकट क्या होती है, Ctrl+Alt+V, ये हमने प्रेस कर दिया। तो ये हमारा पूरा पाथ यहाँ पे पेस्ट हो गया। बस कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, एंटर प्रेस करना है और एक्सेप्ट करा देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी TDL की फाइल जो है लोड हो चुकी है। लोड करने के बाद यहाँ से एस्केप करिए, बाहर निकलिए, तो और जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे आपका ये पूरा फॉन्ट जो है चेंज हो चुका है। ये आप सिलेक्ट कंपनी में है, यहाँ पे देखिए सारी कंपनियों का फॉन्ट चेंज हो गया है। किसी भी ऑप्शन में जाएंगे आपको वहाँ के फॉन्ट चेंज मिलेंगे। अंदर जब आप जाएंगे तो सारा पूरा जो फॉन्ट का फेस है वही पूरा बदल चुका होगा। तो दोस्तों, बहुत आसान सा प्रोसेस है, और इसको आप डाल करके अपने टैली को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और टैली में कस्टमाइजेशन के लिए बहुत सारे TDL अवेलेबल हैं। धीरे धीरे मैं आपको उन TDL के बारे में वीडियो के माध्यम से बताना शुरू कर रहा हूँ, तो बने रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा। नेक्स्ट TDL के बारे में, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, कलर चेंज करने वाला, यानी हम चाहते हैं कि टैली में डेस्कटॉप का और ये जितने फीचर्स हैं इनका कलर चेंज हो जाए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट TDL इंस्टॉल करते हैं। तो फिर से एक बार डॉक्यूमेंट में, जहाँ पे हमारा TDL है वहाँ पे चलेंगे, टैली TDL में जाएंगे, और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है टैली कलर फुल TDL, इसको क्लिक करते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको कैसे, इसका फाइल पाथ को कॉपी करना है हम लोग को। तो यहाँ पे राइट क्लिक करिएगा और जाना है हमें प्रॉपर्टीज़ में,
और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद हमें जाना है सिक्योरिटी में, और सिक्योरिटी में जाने के ये जो पाथ है इस पाथ को हमें कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आ जाना है अपने टैली पे, और टैली पे आने के बाद शॉर्टकट की वही कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस टी प्रेस करना है, और यहाँ पे एक बार F4 प्रेस करना है हम लोग। ये विंडो आ गई। अब यहाँ पे ऑलरेडी एक TDL लोड है और हमें एक TDL और लोड करना है, तो एक बार और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नीचे एक पाथ आ गया, यहीं पे कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी प्रेस कर देंगे तो हमारा ये दूसरा वाला TDL इंस्टॉल हो गया। एक्सेप्ट कर देंगे, और जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप देखेंगे कलर में चेंजिंग आ चुकी है। यहाँ से एस्केप करके बाहर निकलते तो आप देखेंगे आपका ये जो टैली है कलरफुल हो गया, मल्टीपल कलर्स हैं यहाँ पे, और अंदर भी जाएंगे तो आपको मल्टीपल कलर्स वहाँ पे भी नज़र आएंगे। कोई रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कलरफुल आपको दिखेगा। तो कुल मिला के जो टैली है, अब आपको थोड़ा सा टैली पे काम करने में मन लगेगा क्योंकि उसका कलर वगैरह चेंज हो चुका है। तो दोस्तों, ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो TDL के ऊपर। ये बेसिक TDL थे जिनकी मदद से आपने देखा कि फॉन्ट कैसे चेंज होता है, कलर कैसे चेंज होता है, और TDL की मदद से हम टैली में बहुत हद तक और काफ़ी अपने यूज़फुल TDL डाल करके अपने टैली को कस्टमाइज़ कर सकते हैं।